अभी हमारे मित्र अमन सिंह अमेरिका से फोन किए, कनाडा के राष्ट्रपति जॉर्जिया ने, उन्होंने तो किसी से चर्चा की कि पप्पू यादव का रेस्पेक्ट इंडिया में नहीं है, पप्पू यादव की कदर कनाडा में। कहिए पप्पू यादव को यहीं का सिटीजन ले ले, आने वाले भविष्य में पप्पू यादव यहीं राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए। अब हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो हर दिन कनाडा से, अमेरिका से, आप अमन से बात कर लीजिए, अमन सिंह आईटीएन है अभी वहां के, इकोनॉमी को बैलेंस करते हैं, और वो कहीं के नहीं है, बगल के बीरपुर के ही हैं उनका। मैं अभी भी उनसे चर्चा किया कि किस तरीके से आईटी को पूर्णिया में लाऊं, और एक बार यदि मैं बिहार के किसी भी जिले में आईटी पार्क को मैं ले आया तो आप समझिए पूर्णिया डेवलप नहीं करेगा, कोसी सीमांचल नहीं, पूरा बिहार आकर के सिमट जाएगा और पूरा बिहार निर्माण हो जाएगा। मैं हर दिन बात अमन का मैं आपको नंबर दे देता हूं, आप कनाडा में मेरे 10 दोस्त हैं उनसे पूछ लीजिए। मैं इसके अलावे दूसरी बात कभी नहीं करता हूं जहां मेरे दोस्त हैं उसके डेवलपमेंट के अलावे, 24 घंटा काम करने के अलावे, 3 बजे रात तक जगने के अलावे, मैं दूसरी बात नहीं करता। आप उठा के देखिए किसी भी चीजों को तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं अपने सांसद जी से कहना चाहूंगा कि आप तो जाति धर्म मजहब पर के नाम पर आप रसूख ले लेते हैं, आपको अकेले चुनाव लड़ने की तो औकात है नहीं, क्षमता है नहीं। या जो लोग गाली देते हैं वो लोग एक बार मुखिया का चुनाव भी लड़ना चाहिए, जिला परिषद भी चुनाव लड़ना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामाजिक जीवन कितना संतुलित होना चाहिए और आप क्या बोलते हैं, आपका जीवन, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तब धीरे 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 आपको लोगों की इज्जत करना, लोगों के लिए जीने की आदत आपको पता चले। जब वो कहावत है बांझ जाने परसौती क्या, तो आपको जब कुछ आता नहीं है तो आप शुरू हो जाते हैं, आपको प्रोटेक्ट है इस देश के बड़े दो लोगों का, सांसद जी। यदि हमें आप उस दो लोगों के तरह हमें प्रोटेक्शन मिला होता ना तो हम बिहार की कायाकल्प कर दिए होते, और हम बिहार में कभी जात पात रहने नहीं देते, हिंदू मुसलमान की बात नहीं होने देते, और हमारी पूरी अवधारणा गरीबी खत्म करने पर और बेरोजगारी खत्म करने पर होती। आपको तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि एक बाजार में 1100 का बीज 2200, 2300, 1300 से ऊपर में बिकता है और आप रोक नहीं पाते हैं। आप लोग तो जाइए रोकिए, डीएपी खाद, ये क्या है डीएपी खाद, इसमें बिना मिलावट के पूरा बोरा मिलावट कर देता है, उसके बाद आप और बिना 3200, 3300, 3400 के बिकता नहीं है, वो भी आउट ऑफ मार्केट हो जाता है, किसान को मिलता नहीं, औकात क्यों नहीं होती आप लोगों को, इस पर गाली गलौज कीजिए ना, आप जाके लड़िए ना जिस चीज पर लड़ना चाहते हैं। आप हमसे क्यों लड़ना चाहते भाई, हमारी कौन सी, हमको तो जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूं, जो सच है जो बोलता हूं, और सच्चाई के लिए ही बुद्ध जाने गए, नानक जाने गए, हो सकता है पप्पू यादव का जन्म इसीलिए हुआ हो। अच्छा, मारना ना मारना तो ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.